पूरी रात थे वहाँ, सबने लाश निकल देख रहे थे, खोल खोल के मेरे बच्चे का आया, जितनी गाड़ी आ रही थी सब तक गाड़ी चेक कर रहे थे। मेरे पांच लड़की है, एक लड़का कमाने गया था, वो भी बच्चे मेरा शहीद हो गया। हाँ, कंपनी में आग लग गया, किसको क्या पता था। 5 बजे सबको छुट्टी हुआ, मेरे बच्चे लोग को छुट्टी नहीं दिया, बोला नहीं ओवरटाइम करो। ओवरटाइम किया, सुना मगरिब का सब पहले सुने जो कंपनी में आग लग चुका है। हम लोग पूरी रात थे वहाँ, सबके लाश निकल देख रहे थे, खोल खोल के मेरे बच्चे का आया, जितनी गाड़ी आ रहे थे सबका गाड़ी चेक कर रहे थे, कपड़े हटा के देख रहे थे मेरे बच्चे आया नहीं गया। मेरे बच्चे को 1 बजे दिन में मिला मेरा बच्चा, उसका बनियान उतार के यार वो हाथ में रख दिया था, तो उससे पहचाने मेरे बच्चे चल चुका था एकदम। अदालत का फैसला आया, असली मुजरिम को पकड़े ना, असली मुजरिम कौन होता, सेठ है, सेठ तो आग लगाया है, सेठ क्यों नहीं दरवाजा खोला, गेट क्यों बंद करके रखा था, मेरे बच्चे लोग तो भागा था, गेट क्यों नहीं खोला, वो गेट क्यों बंद करके रखा था, गेट खोल के रखना चाहिए था ना, बच्चे भागा थे, धुआं से बच जाते, गर्म पानी में गिर के मेरे बच्चे लोग पूरे बदन का खाल निकल गया, मेरे बच्चे का पूरे जिस्म का खाल निकला हुआ था बच्चे का मेरा। गेट क्यों नहीं खुला, सबसे पहले मुजरिम सेठ है, आग लगा था किसी ने भी लगाया था, मगर वो गेट तो खोल देता, दरवाजा खोल देता, खिड़की खोल देता, क्यों नहीं खोला था, उसको सजा होना चाहिए, उसको कंपनी में खड़ा करके आग लगाना चाहिए। अब मेरा दिल ठंडा होगा, मेरा सोवर का टेक पड़ गया, ये बच्चे के लिए हम बीमार होने लगे, कंपनी के सामने आग लगा दे, हम अपनी आंखों से इसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से हमारे बच्चे यहाँ पे गुजरे, हम जल्दी आग में हम अपने बच्चे को निकाल लेंगे, हमारा बच्चा जल रहा, हम वहाँ पे गिरे जब बैठे बच्चे हमारा 2 दिन के बाद, हमारा यहाँ 20 गुलाम बच्चे, 22 साल के बच्चे दुनिया से गुजर के चले हैं, हम इस बच्चे के 8 साल इंतजार कर रहे थे, हमारे बच्चे का इंसाफ दे, इंसाफ मिले, ये सही इंसाफ नहीं हुआ, ये 7 साल सारे लोगों का इंसाफ दे, एक दो लोग नहीं है इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लोगों का इंसाफ करे, हमारे सामने लाए। फैसले से बिल्कुल मुतमइन नहीं हूँ, बिल्कुल उन्होंने सही इंसाफ नहीं करा, हमारा 2 बच्चे शहीद हुए हैं, क्या दो ही बंदे ने तो शहीद किया था, 250 बंदे को 2 बंदे ने शहीद किया था, इतना बड़ा फैक्ट्री को आग लगाया था, बिल्कुल हम लोग मुतमइन नहीं हैं, ये इंसाफ बिल्कुल सही नहीं आई है, हमें इंसाफ चाहिए, बिल्कुल बचा लिया जो मुजरिम असली मुजरिम उसको बचा लिया, ये कहीं का इंसाफ नहीं हुआ है ना, 8 साल पहले इंतजार करवाया, 8 साल के बाद ये सब फैसला आया। पीछे बैठी है, इन सब के बच्चे जो है उस आग में झुलस चुके हैं, अब चूल्हे की आग से डर लगने लगा है इन लोगों को, तो आप लोग हमारी आवाज है, हमारी आवाज और कोई नहीं है, हमारी आवाज मीडिया है, अपन रोज से आप इनके साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि करारे वाकई सजा मिले, इनके लिए 52 करोड़ रुपए की अब हड़प कर गई, ये काली जो बने हुए 5 साल बैठे हुए हैं, 20 करोड़ रुपए इन्होंने और मुस्तफा कमाल ने लिए है, 20 की मजदूरी बन के कि हम इनको दे देंगे, भाई 52 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, एक केस में 30 लाख रुपए आएंगे, खुदा के वास्ते इनको दे दिया जाए, मुझे यहाँ से इंसाफ की तवक्को नहीं है, कतई नहीं है, ये एक एक बिल के पीछे बिकने वाले लोग हैं, अपना वोट देते हैं उसके नतीजे के तौर पर दूसरे दिन इनको बरी कर दिया जाता है,
आज हम कैसे खामोश रह सकते हैं? 9 साल हमारी आंखें तरस गई इस फैसले को सुनने के लिए, 9 साल तक हमारे दिल में चल रहे इस फैसले को सुनने के लिए, और असल तत्परण जो थे उनको साफ बचा लिया गया। क्यों नहीं हम मां सिद्धि को सजा दी जाती? क्यों नहीं और दीगर को सजा दी जाती? सेक्टर इंचार्ज यूनिट इंचार्ज दो पार्ट पार्ट दर्दर दर्दर हजार रुपए का आदमी नहीं हूँ, 50-50 करोड़ रुपए वो मांग रहे हैं, उसकी हैसियत है मांगने की? असल पैसे तो ये मांग रहे थे। 8 साल के बाद जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत है उसने बिलाखिर एक फैसला दिया जिसमें दो मुल्जिमों को उन्होंने सजाए मौत दी, रहमान भोला और जुबैर चरिया। आप जानते हैं कि इस तरह के जितने नाम होते हैं ये वो सामने के लोग होते हैं कि जिनसे ये सारे काम करवाए जाते हैं। इन्होंने भी ये काम किया, ये भी किसी सेक्टर और यूनिट में थे, फिर इनका तहफ्फुज़ किया जाने लगा, इनको मकरूर कर दिया गया। इनमें से तो एक जो पकड़ा गया था गालिबन रिजवान कुरैशी, उसने बताया कि भाई कौन कौन उसके अंदर मौजूद था, वो थाईलैंड से आया था, कहाँ से आया है। उससे पता चला कि अच्छा ये तो पूरा नेटवर्क मौजूद है। फिर JITs बनी, और अजीब बात है कि JITs बनती रही, उसका मीडिया में उसकी प्रेजेंटेशन होती रही, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ा। अब 8 साल के बाद जब ये लोग समझ रहे थे कि एक मुकम्मल इंसाफ होगा, तो ये मैं नहीं कह रहा, जिनके बच्चे जले हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस इंसाफ की इनको उम्मीद थी वो इंसाफ नहीं हुआ और अधूरा इंसाफ हुआ। ये लोग कहते हैं कि हम तो वो तवक्को कर रहे थे कि जो इनके मास्टर माइंड थे, जो असल में इन लोगों से पैसे वसूल करते थे, जिन्होंने इनको इस काम पे लगाया था, उन लोगों को पकड़ना चाहिए था ना। अफसोस की बात यह है कि वो सारे लोग सहूलतकार भी, और जिनके कहने पर, जिनके ईमा पर ये सारे काम हुए, वो तो उनमें से एक बड़ी तादाद तो उन लोगों पर मुश्तमिल है जो आज भी पार्टियों के अंदर मौजूद है, सिर्फ नाम बदल गए, हुकूमतों के अंदर मौजूद है, विफाकी हुकूमत में मौजूद है, या वो उन पार्टियों में उनको ट्रांसफर कर दिया गया है जो किसी की मंजूर नजर है, और उनको ऐसी वॉशिंग मशीन से धो दिया गया है कि जिसके नतीजे में कत्ल, भत्ता, डाका, बोरीबंद लाशों का कारोबार सब माफ हो जाता है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ पार्टियां ये कहेंगी कि हम तो बरी हो गए, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो जमातें मौजूद हैं और ये तरीकेकार जो अब इख्तियार किया हुआ है कि जो मुजरिम होगा वो लंदन वाला होगा, जो बच जाएगा वो पाकिस्तान वाला होगा, ये नहीं होना चाहिए। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। डिसोन करते हो, जो मुजरिम होता है उसको लंदन वाला करार देके डिसोन कर दिया जाता है, और अगर जिसको बचा लेते हो वो पाकिस्तान वाला करार पाता है, और एक तीसरा फैक्शन भी बना लिया गया है वो तो दुलदुला के वैसे ही पाक साफ हो जाता है। तो इन जमातों की, तीनों चारों जमातें जिन्होंने अपना अपना एक तरीकेकार तय किया हुआ है, इनके हवाले से भी अब चीजों को बिल्कुल वाजे होना चाहिए। और मैं इस मौके पर अपने इन तमाम लवाइतीन से इजहार हमदर्दी करता हूं। ठीक है, एक फैसला अदालत का है, अदालती फैसलों पर हमें बात करना अजीब सा लगता है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि अदालत के इस पूरे निजाम की सलाह भी होनी चाहिए। ये मशहूर बात है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जिस जो इंसाफ ताखिर से हो वो इंसाफ का इनकार है। और ये बातें हम नहीं कहते, ये बातें हमें चीफ जस्टिस साहब बताते हैं, पिछले चीफ जस्टिस बताते थे, ये किताबों, कानून की किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं, सब इसका रेफरेंस देते हैं। जब इसका रेफरेंस देते हैं तो खुद उस पर अमल क्यों नहीं करते? हमारे अदालत के निजाम में लोगों को पूरा इंसाफ नहीं मिलता, इसीलिए ये लोग परेशान हैं। हम एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि इस केस को अपने पास बुलाएं, मंगवाएं, इसका थोरो तौर पर जो जो सहूलतकार जिस जिस पार्टी के अंदर मौजूद है उन सबको उजागर करें, सबको सजाएं दें, तब इनका कलेजा शायद ठंडा हो जाए। और मैं इस मौके की मुनासिबत से ये भी कहना चाहता हूँ कि 52 करोड़ रुपए उस जर्मनी की कंपनी ने फराहम किए कंपनसेशन के लिए इन लोगों की, सिंध हुकूमत ने उस पर गासिबाना कब्जा कर लिया और कहा यह कि हम इनको थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे, और जाहिर है वो उससे सूद कमा रहे हैं। और इनको तो अगर वक्त में इनका, जिनका एक बेटा, जिनकी बेटी जब चले गए, इनको अगर एक अमाउंट मिल जाती तो कुछ ना कुछ कर लेते अपना, इनको इससे महरूम कर दिया। बाज लोगों ने बीच में एजेंट्स का किरदार अदा किया
और पैसे जो है वो खाने शुरू कर दिए। ऐसे तमाम चीजों की भी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हमारा फौरी मुतालबा ये, हमने अदालत में केस भी किया हुआ है और उसमें भी ताकीब होती चली जा